નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે અમારા ચેનલ એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતીમાં. તો આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી ધોરણ 6 પાઠ 7 યહભી એક પરીક્ષા. ઉસમાં પહેલા પ્રશ્ન હૈ, નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લીએ દી ગયે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉસકા ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામને દી ગયે બોક્સ મેં લિખીએ. તો પહેલા પ્રશ્ન હૈ, યહભી એક પરીક્ષા પાઠ કા પ્રકાર ક્યા હૈ? તો ઉસકા જવાબ હોતા હૈ એકાંકી. दूसरा है, पाठ के पहले दृश्य का स्थल कहाँ है? तो उसका जवाब है बाजार में. तीसरा है, चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था? तो उसका जवाब है पेट. चौथा है, देवेंद्र की पेट पर किसके धब्बे थे? तो उसका जवाब है खून के. पांचवा है, देवेंद्र कैसा छात्र था? तो उसका जवाब है मेघावी. दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. उसमें पहला है, अरे हट झोंक की तरह चिपक जाता है. दूसरा है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है. तीसरा है, इस अंधे ने तो शकुन ही खराब कर दिया. चौथा है, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है. पांचवा है, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से है. छठा है, इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है. प्रश्न तीन है, सही वाक्यांश चुन के विधानों को पूर्ण कीजिए. उसमें पहला वाक्य है, एक बालक एक चाय वाले से टकराता है. दूसरा है, भिखारी के कटोरे में 7 रुपये थे. तीसरा है, देवेंद्र का रोल नंबर कमरा नंबर 4 में था. प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. उसमें पहला प्रश्न है, बालक ने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? तो उसका जवाब है, बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी जिसके टिकट में भी अठन्नी कम पड़ रही थी. दूसरा है, बूढ़े भिखारी से कौन टकराया? उसका जवाब है, बूढ़े भिखारी से एक साइकिल सवार बालक टकराया. तीसरा है, बूढ़े भिखारी की मदद किसने की? तो उसका जवाब है, बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की. चौथा है, सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? तो उसका जवाब है, इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है. पांचवा है, स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था? तो स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था. छठा है, देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो किसे चिंता हुई? देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता हुई. प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है? पहला है, अंधा है क्या देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए? तो उसका जवाब होता है, चाय वाला ने एक बालक से कहा है. दूसरा है, जीते रहो बेटा भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे. तो ये वाक्य है, भिखारी ने विद्यार्थी से कहा है. तीसरा है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो. तो उसका जवाब है, विद्यार्थी ने भिखारी से कहा है. चौथा है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है. तो उसका जवाब है, एक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को कहा है. पांचवा है, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया. उसका जवाब है, प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थी से कहा. छठा है, जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा. छठा वाक्य है, बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से कहा. प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसमें पहला है, बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकदार शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर
फिर आप पैसे दीजिए के सिर्फ 2 रुपए। दूसरा है, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो उसका जवाब है, भिखारी के कटोरे में कुछ कौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े थे। तीसरा है, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? उसका जवाब है, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथा प्रश्न है, प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो उसका जवाब है, प्राध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्राध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में यह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो उसका जवाब है, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उससे खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसीलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न है, प्राध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो उसका जवाब है, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था, इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसीलिए प्राध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। प्रश्न 3 है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह से असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करता तो पता नहीं उसका क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया। प्रश्न 8 है, प्रत्येक चित्र के बारे में एक दो वाक्य लिखिए। तो पहला चित्र है इंडियन एयरलाइंस, यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है, हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। अब दूसरा चित्र है ट्रैफिक सिग्नल, यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है, इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वाहक रुकते हैं या सड़क पार करते हैं। तीसरा चित्र है न्याय, यह न्याय की देवी की मूर्ति है, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, यह निष्पक्षता का तथा तराजू न्याय का सूचन करते हैं। चौथा चित्र है फूल तोड़ना मना है, बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल न तोड़े। पांचवा चित्र है कूड़ा कूड़ेदान में डाले, इस निशाने का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डाले। छठा चित्र है शांति रखिए, इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखे, अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आईना बनाना, तो उसका जवाब है बहुत चमकदार बनाना। वाक्य है उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की। दूसरा है रोब जमाना, उसका है प्रभाव दिखाना। वाक्य है उस गरीब आदमी। तीसरा है नाक में दम करना, तो उसका जवाब है बहुत परेशान करना। वाक्य है
वह बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। प्रश्न 10, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहला है, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो यह गलत है। सही वाक्य है, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। दूसरा है, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो यह गलत है। सही वाक्य है, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा है, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो यह गलत है। सही वाक्य है, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथा है, मैंने पुस्तक खरीदी, तो सही है, मैंने पुस्तक खरीदी। पांचवा है, रमेश की स्कूल विशाल है, तो गलत है। सही वाक्य है, रमेश का स्कूल विशाल है। छठा है, आपकी आवाज़ मधुर है, तो सही है, आपकी आवाज़ मधुर है। सातवा है, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, तो यह गलत है, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आठवा है, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो यह गलत है। सही वाक्य है, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नौवा है, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो यह गलत है। सही वाक्य है, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। दसवा है, आज भारी बरसात हुआ, तो गलत है। सही वाक्य है, आज भारी बरसात हुई। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो उसका वाक्य है, लड़का मैदान में खेल रहा है। दूसरा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसका है, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। तीसरा है, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, मैंने आज एक व्यक्तियों की मदद की। चौथा है, उद्यान में हरा भरा पेड़ है, उसका जवाब है, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचवा है, मेरी किताब वापस दीजिए, उसका जवाब है, मेरी किताबें वापस दीजिए। प्रवृत्तियां है, पहला है, मानवता को सूचित करने वाले तीन प्रसंग बताइए। पहला है, नदी या तालाब में डूबते हुए व्यक्ति को बचाया। दूसरा है, कुत्ते को पत्थर मारकर भगाने वाले बालक को रोकना। तीसरा है, वृद्ध महिला को सड़क पार कराना। दूसरा है, तुम्हारा छोटा भाई अपने बीमार साथी को उसके घर पहुंचाने जाता है, इसीलिए स्कूल से देर से आता है। देर से आने का कारण बताने पर तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? यदि मेरा छोटा भाई बीमार साथी को मदद कर स्कूल से देर से आता है, तो पहले मैं उसके मित्र को फोन करके उसका हालचाल पूछूंगा। फिर मैं अपने भाई को शाबाशी दूंगा कि उसने एक सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। तो आ हतुं धोरण 6 हिंदी पाठ 7। તો જોતા રહો એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ અને શીખતા રહો. થેન્ક યુ. આભાર.